साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से मुंबई के लिए बुधवार की सुबह 6:02 पर रवाना हुआ एक विमान मुंबई एयरपोर्ट पर एक ही इंजन के सहारे उतरा। इसके पायलटों ने सतर्कता बरतते हुए सफलतापूर्वक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E6413 नागपुर से 108 यात्रियों को सवार कर मुंबई के लिए रवाना हुई थी। सूत्रों के अनुसार नागपुर से टेक ऑफ के कुछ देर बाद इस एयरबस 320 विमान के पायलटों को कॉकपिट में ऑयल लीकेज से जुड़ा हुआ संकेत दिखाई पड़ा। इसी बीच विमान का एक इंजन बंद पड़ गया। इसके बाद चालक दल ने मुंबई ATC को सूचना दी और विमान केवल एक इंजन के बूते सुबह 7:05 पर मुंबई में लैंड हुआ। लैंडिंग के पूर्व मुंबई एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में विमान उतारने के चलते सभी जरूरी इंतजाम किए गए। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।